भैया ने दिया भाई लड्डू सबको खाने के लिए, सब एंजॉय कर रहे हैं लड्डू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, मैं हूं अमन, आप देख रहे हैं कार म्यूटर्स एंड हम आ चुके हैं भाई काउंटिंग कार्स पे संजीत भाई को वेलकम करते हुए। कैसा लग रहा है भाई? बढ़िया भाई। कितनी विटार आ रही है आजकल? तीन है आज तो। अच्छा, और क्या ये बेस मॉडल है? एक बेस से ऊपर है, डेल्टा है। तो इसमें क्या कर रहा है? इसमें सारा काम हुआ है, साउंड सिस्टम से लेके इंटीरियर से लेके और बाकी स्टीयरिंग भी चेंज किया हमने, एलईडी भी डाले। अगर आप लोग सोच रहे हो, कहाँ है, तो भाई काउंटिंग कार्स वन स्टॉप सॉल्यूशन है और यहाँ पे हर गाड़ी का जेन्युइन पार्ट और सारा सामान मिल जाता है। ठीक है, अब चलते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं आगे। पहले आपको ये वाली दिखा देते हैं, एक एक करके आप लोगों को तीनों दिखा देंगे। तो ये देख लो भाई, ये HR 98 हमारे पास यहाँ पे है। खास और बात ये भी, तीनों व्हाइट ही कलर है। हाँ, डाउट मत करना, यही दिखा रहा है, लेकिन तीनों में अलग अलग क्वालिटी का काम हो रहा है और सबसे अच्छा टॉप मॉडल काम हुआ इसके अंदर। ठीक है, इसमें 30-35 हज़ार का बजट लेकर आया था, लेकिन हमने सोल्यूशन एक अच्छा चीज प्रोडक्ट पे बोले थे, क्योंकि थोड़ा डबल कर लो, 60-65 हज़ार में आपका गाड़ी अच्छी तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इसमें आप लोगों को दिखाते हैं। DRL व्हाइट मिल जाती है, हेडलैम्प्स इसके अंदर हैलोजन आता है कंपनी से, इसमें LED इंस्टॉल करी गई है। कितने वाट की है ये? 130 वाट है। आपको अगर 200 वाट चाहिए, 170 वाट चाहिए, 160 वाट चाहिए, दोनों तीनों अवेलेबल है। तीनों अवेलेबल है। फ्रंट साइड पर भाई कैमरे की प्लेसमेंट बताओ? अगर 360 लगाओगे तो आपको इधर इंस्टॉल हो जाएगा, जो अपने फ्रंट में पूरा व्यू आता है, तो ये पूरा व्यू आ जाएगा। अगर खाली फ्रंट के लिए कैमरा चाहिए तो यहाँ पे साइड में लगेगा। फ्रंट कैमरा थोड़ा सा बड़ा होता है, तो थोड़ा साइड में इसलिए लगता है वो। थोड़ा फ्रंट में ना क्रोम भी आता है। हाँ, जैसे इस टाइप की क्रोम भी आता है, तो ये साइड में थोड़ा अंदर अच्छा लगेगा थोड़ा देखने में। और वो जो 360 का जो होता है वो ब्लैक कलर होता है, तो वो फ्रंट में यहाँ पे, और वो छोटा भी होता है, तो वो सेंटर में आराम से बीच में आ जाता है, ये लटक जाता है। ऐसा सिस्टम नहीं है, अगर प्रॉपर चीज अब लगाओगे तो कोई चीज नहीं लटकेगा। पहले आप लोगों को मैं लेके आया हूँ बैक में डिग्गी में, क्योंकि यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स के बॉक्सेस आप लोगों को भाई समझा देंगे। ये तो हमने आगे के मैं कंपोनेंट डाले ऑडिशन का, जो अपने रहने वाला है विदाउट ही एम्पलीफायर, भाई को इतना मजा आ गया, जो नेक्स्ट लेवल साउंड है। सही है भैया, साउंड सही आ रही है? बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ऑडिशन का इसमें इंस्टॉल करा है प्राइमा कंपनी से, ये पेपर कोन वाले आते हैं तो वो हटा दिए। लोग सोचते हैं इसी का स्पीकर, 25 वाट का स्पीकर आता है, लिखा रहता है 25 वाट का स्पीकर होता है, 4 ओम का स्पीकर इसके अंदर आप लोगों को मिल जाता है, 25 वाट लिखा होता है, 25 वाट है। सही है, ये अगर इसके अंदर हम बेस जैसे ही खोलेंगे तो ये भर भर की आवाज आएगी। हाँ, क्लैरिटी समझ में नहीं आएगी, ये बस नाम के लिए लगा दिए दो स्पीकर। एम्प लगाया इसमें? नहीं, एम्प नहीं, विदाउट एम्पलीफायर ही मजा आ रहा है मेरे को। ठीक है, और बाकी सिंगल या डैम्पिंग भी है गोल्ड सीरीज में, जो अपना रहने वाला है। और ब्रेजा का स्टीयरिंग हमने चेंज कर दिया, जो अपना रहने वाला है, देख लो कुछ ऐसे लुक आता, पूरा लेदर, इसमें लेदर भी नहीं रहता, प्लस यहाँ बटन नहीं है, कॉलिंग बटन नहीं है मेन, तो देखो कॉलिंग बटन आप लोगों को चाहिए ही चाहिए। स्टीरियो जो एप्पल कारप्ले वाला लगाया? हाँ, कारप्ले, ऑफ्टा कोर, एंड्रॉइड भी कारप्ले, वायरलेस भी कारप्ले। ठीक है, एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले दोनों वायरलेस चल जाएगा। डैशबोर्ड जो इंटीरियर चेंज होते हैं वो आप लोगों को यहाँ मिल जाएंगे। लोग सोचते हैं इस पे लेदर कर दो, मत लेदर मत करवाना, क्योंकि इस पे अगर लेदर कराओगे तो सॉफ्ट टच नहीं मिलेगा। हाँ, अगर कंपनी वाला अगर लेदर लगवाओगे तो वो सॉफ्ट टच करेगा, सॉफ्ट टच ये फर्क है। बाकी हार्ड प्लास्टिक इसमें आते ही है। हाँ, और एक बूट लैंप आप लोगों को मिल जाएगा, मतलब मिलता नहीं है, लगा दिया इसमें ओरिजिनल बूट लैंप। यहाँ पे पार्सल ट्रे जो है वो ओरिजिनल इंस्टॉल कर दी है मारुति जेन्युइन, यहाँ पे पूरी की पूरी पार्सल ट्रे आ चुकी है, ये देख लो। और इसमें डोरी वोरी मिलती है, लॉक्स कंपनी से ही आते हैं, बस ये डोरी के साथ ये लग जाता है पार्सल ट्रे यहाँ पे। और जेन्युइन पार्ट है ये भी हमारा, स्टीयरिंग भी जेन्युइन है, मोस्टली जितनी भी चीजें हम इंस्टॉल करते हैं सारी MGP होती है, सारी क्वालिटी वर्क काम होता है और जेन्युइन होता है। बाकी HD हमने कैमरा भी लगाया इंस्टॉल, HD कैमरा आप लोगों को मिल जाएगा और बिल्कुल कंपनी वाली प्लेसमेंट। अगर आप दूर से देखोगे, देखो किस तरीके की लग रही है आपको, पूरी कंपनी वाली प्लेसमेंट मिल जाती है यहाँ पे आपको। साइड पे आते हैं तो साइड पे यहाँ पे हम लोगों ने ये प्लास्टिक ही आप लोगों का, ये जो है ये सॉफ्ट टच के अंदर आप लोगों का इंटीरियर रेडी करा है। तो इसमें पूरा दरवाजा रेडी क्यों नहीं करा? भैया को बोला ये तो ऑलरेडी एक कलर है। हाँ हाँ, मैच कर दो इस कलर से, सेम नीचे वाला पोर्शन। ठीक है, और ये सॉफ्ट टच के अंदर जो डैशबोर्ड चेंज हो गया, तो ये देख पाओगे सॉफ्ट टच के अंदर ये वाला डैशबोर्ड पैनल आ जाता है, परफेक्टली मैच हुआ है, परफेक्टली मैच हो गया, मैच है कि नहीं? बिल्कुल मैच है, मैच देख लो, बाकी इसमें आपको दिख जाएगा पूरा सेम एग्जैक्ट सेम कलर मिल जाता है। यहाँ पे भी हम लोगों ने इंटीरियर चढ़ाए गाड़ियों के अंदर, और ये वाला पैनल अभी दूसरी में ग्लोसी हो रहा था, उसमें आप लोगों को दिखा दूंगा। ग्लोसी एंड्रॉइड फ्रेम के साथ यहाँ पे एंड्रॉइड इंस्टॉल किया गया। स्टीयरिंग में ओरिजिनल जेन्युइन लेदर आ जाता है इसके अंदर, और सिल्वर आ जाता है पूरा लगा हुआ, और सारे कॉलिंग बटन ब्रेजा का भी मिल जाएगा। ये ब्रेजा का है? हाँ, ये ब्रेजा का। दोनों ऑप्शन कौन सा भैया आपको कौन सा अच्छा लग रहा है? दोनों देख लिया आपने? ब्रेजा का अच्छा लगा, ब्रेजा का अच्छा लगा भैया को। ये एक एलिमेंट जो ऐड किया है, ये मतलब आपको उसमें नहीं मिलेगा। हाँ, ये और ये सिल्वर बड़ा पीस पैनल है, तो ये इनसे भी मैच हो जाता है, और साइड में डोर जब बंद होता है तो उससे भी मैच हो जाता है, काफी सही रहता है उसके अंदर भी। एक गियर नॉब चेंज करा है, ये वाला पैनल भी ग्लोसी रेडी मिल जाता है। सिस्टम इसके अंदर एप्पल कारप्ले भाई कैसे चलेगा बताओ? इसके अंदर कारप्ले, ऑटो दोनों वायरलेस मिलेगा आपको। ठीक है, नया वायरलेस, एक तरह से फोन ही है पूरा।
ये इसका एप्पल कार प्ले का एंड्रॉइड चल रहा है अभी, ये एंड्रॉइड ऑटो है। चलो ये एंड्रॉइड अभी कनेक्ट करके आपको दिखा देंगे, एंड्रॉइड इसके अंदर चलेगा। उसके अलावा एंड्रॉइड कनेक्ट करने के लिए ब्लूटूथ पहले आप लोगों को कनेक्ट करना पड़ता है। इसमें जो यूट्यूब और सारी चीजें वो आप लोगों को प्री इंस्टॉल मिल जाती है, काफी सारी चीजें प्री इंस्टॉल्ड है, प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, कुछ और एक्स्ट्रा डाउनलोड करना तो प्ले स्टोर का सपोर्ट है। आप इसमें जीमेल साइन इन करके अपना जो आपको फोन में जैसे आप लोग डाउनलोड करते हो अपने एंड्रॉइड में, सेम उस तरीके से इसमें चीजें डाउनलोड हो जाएगी। बाकी लाइट अंदर येलो ही है सारी की सारी, ये चाहे तो ये भी व्हाइट हो जाएगा। इसके अंदर सारा सिम वाला ऑप्शन है, इसमें सिम है, ठीक है। डाटा का ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिल जा रहा है। सिम लगाएंगे इसके अंदर, ये सिम वाला स्लॉट आप लोगों को इसमें मिल जाएगा। बाकी दो पेन ड्राइव के लिए स्लॉट आप लोगों को मिल जाते हैं। अगर आप इसमें फ्रंट यूएसबी भी लगा सकते हैं, यहाँ पे फ्रंट यूएसबी का ऑप्शन भी रहता है, तो ऑप्शन काफी सारे मिल जाते हैं। यहाँ चेकआउट कर पाओगे, यहाँ पे हमने सिल्वर वाली डैम्पिंग करी है, 2.0 थिकनेस वाली पैरामेट सिल्वर। जो कंपनी के स्पीकर आते हैं फ्रंट में वो हमने पीछे लगा दिए, वहाँ भाई कॉम्पोनेंट्स इंस्टॉल कर रहे हैं फ्रंट साइड पे आगे। बाकी ये स्टाइलिंग किट भी हमने कंपनी से लगवा रखी थी, बट यहाँ पे भी अवेलेबल है सिल्वर वाली भी, ये वाली भी। अगर आपको ये वाली किट लगवानी है तो वो भी आप यहाँ पे आके लगवा सकते हैं। और ग्लोसी अगर आप देखोगे तो सारा ग्लोसी में इसको चेंज कर दिया है, बीच वाला एसी कंसोल, ऊपर ऊपर जो है हमारा फ्रेम, और इधर आप देख पाओगे इधर एसी ग्लोसी पैनल हमारे। बाकी जो डोर है वो इंटीरियर इंटीरियर देखी जाएगी। तो इस तरीके की होती है भाई स्टाइलिंग किट, मतलब ये पहले जो लगी हुई थी वो ये रही, बाकी ये नेक्सा का जन्मन पार्ट इस तरीके से रहता है यहाँ पे। और साथ में हम लोगों ने इसमें जो सिस्टम इंस्टॉल करा है, इसमें इंस्टॉल करा गया वही जो मैंने आपको उसमें दिखाया था, 232 कार प्ले वाला, और जीवा का इंस्टॉल करा है इसमें भी हमने, उसमें भी जीवा का इंस्टॉल करा था। वायरिंग किट ये जो इस तरीके से पूरी इंस्टॉल करी जाती है उसके लिए, एटीएम लाइट वाइट के लिए, अगर वो लगेगी तो आप लोगों को दिखा दी जाएगी। बाकी ये इसके सिल प्लेट कंपनी से भी इन्हें लगवाए हैं, बिना लाइट वाले हैं वैसे ये, पर हमारे पास लाइट वाले मिल जाएंगे जिसके हमारे पे 4,000 रुपये है, और 25% डिस्काउंट आपको उस पर मिल जाएगा, तो आप यहाँ पे आके ये भी करवा सकते हैं। मेरा फोन अगेन भाई मैंने चार्ज कर लिया है, तो अभी मैं दिखा देता हूँ जो आप अभी देख रहे थे, जो लास्ट वाली मैंने आपको दिखाई थी वो ये रही, और एक जो हमारे पास बीच में जो मैं आपको कर था तीसरी दिखाऊंगा वो ये रही, और चौथी हमारी वो रही, तो चौथी भी दिखाऊंगा अब आपको। पर अभी आप लोगों को इसमें दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या हुआ है। भैया के पास इससे पहले ब्रीजा थी, तो ब्रीजा के भैया अलॉय लाए थे, तो डिग्गी देखो सारी गंदी कर दी, और अलॉय भैया के बिक गए हैं यहाँ पे, भैया ने बेचे 9,500 रुपये के। वो जो स्टार वाले चलते थे ना पहले, वो ओल्ड फैशन वाले अलॉय वो थे। इसमें सीट कवर की फिटिंग देख लो, इसमें कितनी बढ़िया फिटिंग आ रखी है भाई, और बिल्कुल सॉफ्ट टच के अंदर पूरा जो है सीट कवर यहाँ पे रेडी किया गया है, वही परफोरेशन डिज़ाइन हम लोग जो है जेन्युइन में बिलीव करते हैं। तो टॉप मॉडल विटारा में जो 20 लाख वाली विटारा है उसमें यही कवर आते हैं, तो वही हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया है। तो ये देख लो भाई इस तरीके से पूरी स्टिचिंग आप चेकआउट कर पाओगे किस तरीके की रहती है, और पूरा कंप्लीट कर दिया चांद वाली डिज़ाइन में, इसको जो है वो कंप्लीट करा हमने। इसमें डैशबोर्ड और ग्लोसी प्लोसी इसमें वाले में भी नहीं है, तो वो जो आप अभी देख रहे थे ग्लोसी वाली, वो गाड़ी हमारी वहाँ पे रेडी हो गई है। इसमें साइड में अभी फुट स्टेप लगेंगे और मैट कंपनी के ही हैं, बाकी चिपका चिपकी वाले आइटम चल रहे हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे लोअर गार्निश हो गई है, साइड बीडिंग हो गई है, डोर वाइजर जो है नॉन क्रोम वाले इंस्टॉल हुए हैं। अंदर चलते हैं तो भाई 90 फ्लोरिंग आप लोग देख पा रहे हो, अभी ये फ्लोरिंग होनी है फिट अभी, तो अभी फिटिंग चलेगी इसकी, ठीक है। वहाँ पर भी फिटिंग चल रही है, देख पाओगे नीचे की साइड। और सीट कवर इसमें सेम वही डिज़ाइन है, पर लेदर इसमें हमने जो इंस्टॉल करा है वो सिर्फ यहाँ पे करा है, यहाँ पे नहीं करा, तो ये आप देख लो। और ये इन्होंने साका लेमिनेशन में लिया है, तो इसका जो कलर है ये हल्का सा लाइट शेड के अंदर आता है, पर आप जब दोनों पीस कराओगे तो ये पूरा मैचअप हो जाएगा। तो ये जो है यहाँ पे इंस्टॉल करा गया है, बाकी ग्लोसी जितने थे वो सारे इसके अंदर रेडी हैं। अब उसमें लेके चलता हूँ, वो सिर्फ साउंड के लिए आई है, और इसमें हैवी हैवी जो है ऑडियो सेटअप हम रेडी कर रहे हैं। इसमें हम लगाएंगे भाई मिड रेंज लगाए जा रहे हैं इसके अंदर, डेफ बोन्स के मिड रेंज लगा रहे हैं, और डेफ बोन्स और एवटार के मिड रेंज दोनों सेम ही हैं, खाली इनकी बॉक्स पैकिंग और ब्रांडिंग डिफरेंट होती है। और इसमें भी देखो डेफ बोन्स, एवटार और हाइड्रा तीनों की ब्रांडिंग इसके अंदर भी जो है वो लिखी हुई है। और MRP की बात करते हैं तो भाई 8,990 की MRP आप लोगों को इसकी मिल जाती है, और यहाँ पर देख पाओगे भाई कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। मिड रेंज की मैं आप लोगों को खासियत बता देता हूँ, मिड रेंज जो है ना वो बेस प्रोवाइड नहीं कर सकते, आप कितनी भी इसमें डैम्पिंग कर लोगे तो भी बेस प्रोवाइड नहीं करेंगे, सिर्फ वोकल प्योरली वोकल देने के लिए होते हैं। ये देख पाओगे भाई किस तरीके का दिखता है पीछे, ये पूरी देख पाओगे। और इसकी अगर आप मैग्नेट कोयल देखोगे तो भाई बहुत बड़ी मैग्नेट होती है मिड रेंज के अंदर, क्योंकि ये प्योर लाउडनेस और प्योर जो वोकल आती है ना उसके लिए भाई जाने जाते हैं, तो ये इसके अंदर हम इंस्टॉल करने वाले हैं। बाकी मशाटे है ये, डेफ बोन्स मशाटे सीरीज के हैं, तो मशाटे का एक ये स्टिकर मिल जाता है इसमें, अगर आप चाहो तो ये भी स्टिकर लगा सकते हो अपनी विंडो पे या कहीं पे। बाकी ये हम इंस्टॉल कर रहे हैं इसके अंदर। बेस ट्यूब और एम्प जो है वो भैया की पुरानी है, भैया के पास बेस ट्यूब थी इसलिए मैंने रिकमेंड करा, क्योंकि मोस्ट लोग कहते हैं बेस ट्यूब नहीं लगवानी या बेस नहीं लगवानी, तो उनके लिए नहीं है ये, क्योंकि फिर बेस ही नहीं आएगी स्पीकर में तो मज़ा नहीं आता। तो ये इसके अंदर अभी होने देते हैं भाई, फिर पता चलेगा कैसी आवाज़ आ रही है। अलॉय भैया ने कंपनी से लगवा लिया है गाइस, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएंगे 25% डिस्काउंट पे, तो यहाँ अलॉय देख पाओगे, व्हील कैप देख पाओगे, और बेस ट्यूब की जगह देखनी पड़ेगी भाई, अब बेस ट्यूब कहाँ रखेंगे इसकी, अभी तो फिलहाल यहाँ रखी हुई है।
रॉकफोर्ड की है बेस ट्यूब और 300 वॉट की है, 300 वॉट की यहाँ पे बेस ट्यूब है पुरानी वाली, पुरानी है और एम्पलीफायर भी इनका पुराना ही है, इंटरफायर का एम्पलीफायर है जो अभी इसमें इंस्टॉल करके देना है। वायरिंग किट कौन सी लगेगी इसमें? ब्राजो की 4 गेज लगेगी। हाइलो? हाइलो ब्लॉपंग का डालेंगे जर्मन। और सिस्टम? सिस्टम अपना डालेंगे वही PS9 हाईफाई वाला। हाईफाई जीवा का? जीवा जो अंकल जी की गाड़ी में डाला है, वो इनके गांव से आए हैं, भाई को बहुत जानते हैं पहचानते हैं, रिश्तेदार हैं इनके गांव से, गाड़ी आई है। 6 बिटारा तो हो गई, ये भी देखा आगे। जाना माना देखो बिटारा ही बिटारा है। हाँ वाली भाई हमारी कंप्लीट हो गई है, एक आप लोगों को दिखा देते हैं। सबसे पहले तो ये देखो 200 वोल्ट का थ्रो आप देख लो, ठीक है, और जबरदस्त लाइट आउटपुट आता है भाई इसके अंदर। और हमने लगाई है इसमें एम्बिएंट लाइट, K3 मॉडल लगाया है एम्बिएंट लाइट का, और सीट कवर्स हमारे पूरे फिट हो चुके हैं। एम्बिएंट अंदर की लाइट हमने वाइट कर दी है, पीछे की भी आगे की भी, उधर सीट आप लोग चेकआउट कर पाओगे। बैक साइड पे चलते हैं तो बैक साइड पे इसमें हम लोगों ने इंस्टॉल करी है भाई पार्सल ट्रे ओरिजिनल, बूट मैट इंस्टॉल करा है। ये बूट मैट की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया रहती है और बाउंड्री भी मिल जाती है, वाटर स्पिल होगा तो बच जाएगी, और क्वालिटी वाइज आप देख पाओगे बहुत बढ़िया है। इधर से भी पूरा H2H चेक कर पाओगे, बूट मैट इंस्टॉल कर दिया है। ये थोड़ी बहुत जेन्युइन एक्सेसरी इंस्टॉल करी थी जो उसके बॉक्सेस पड़े हैं, और इसके अंदर हमने 90 मैट्स भी अंदर इंस्टॉल करे अगर आप देखोगे, सो इस तरीके से 90 मैट्स आ जाते हैं इसके अंदर पूरे, आपके कप टाइप आते हैं, कप टू कप पूरे फिट होते हैं। बैक साइड की सीट की फिटिंग ऐसी रहती है और पूरी ओरिजिनल, जैसे भाई टॉप मॉडल में आते हैं ना, टॉप मॉडल वाले मज़े मिल जाएंगे आपको बेस मॉडल के अंदर अगर आप यहाँ पे काम कराने आते हैं। ये देखो ड्राइवर साइड पे 90 की फिटिंग देखो भाई कितनी ज़बरदस्त आ रखी है। बाकी सिस्टम हमारा जो है कंपनी फिटेड ही है, रेडियो चल रहा है इसके अंदर अभी, ठीक है। सो ये है इसके अंदर, बाकी गाड़ी में काम कैसा लगा बताना। अभी ये दिखाता हूँ आपको, इसमें हम फुट स्टेप साइड फुट स्टेप लगा रहे हैं चढ़ने के लिए उतरने के लिए, सबसे बढ़िया चीज़ रहती है क्योंकि पैर रख के चढ़ा जा सकता है भाई। देखो सारे एंगल सेट हो रहे हैं इसके अंदर, अभी 2 लग गए हैं और भी लगेंगे क्योंकि पूरी वेट लोडिंग कैपेसिटी, 2 बंदे इजिली खड़े हो सकते हैं इस पर, इतना वेट लोडिंग कैपेसिटी होती है इसमें, तो 2 लग गए हैं, 2 और लगेंगे, एक साइड पे 4 आएंगे और फिर ये हम ग्रैंड विटारा का फुट स्टेप जो है पूरा इसमें इंस्टॉल करेंगे। तो भाई चेकआउट कर लो, अभी लगाते हैं फिर दिखाता हूँ। सो भाई गाड़ी जो है वो कंप्लीट हो गई है, अभी आए थे भैया, क्या नाम बताओ पहले? मेरा नाम पुष्पेंद्र है। कहाँ से आए थे? करावल नगर दिल्ली से। ओ कैसा लगा भैया काम बताओ? काम तो बढ़िया ही है, मैं यूट्यूब पे रिव्यू देख के ही आया था आपके। 10 out of कोई रेटिंग देना हो तो बताओ क्या दोगे? 10 फिनिशिंग, मतलब काम की जो क्वालिटी है उसमें 10 out of 10। आप बेचारा देखिए तो कितने कम से कम हो गया होगा आपने? मेरे आगे 3 आई है, पहले मुझे पता नहीं कि कितनी जा चुकी है, लेकिन मेरे आगे अभी 3 आई है। सही है, सारा में एक नंबर काम करके देते हैं। सब बढ़िया लगा, बाकी भैया को अच्छा लगा काम? अभी मेरे को इसमें दोबारा काम कराने आना है, अभी अलॉय व्हील है और काफी मेरा इंटीरियर का है, क्योंकि अभी तो मेरी गाड़ी में ही काफी खर्चा हो गया, तो थोड़ा सा अभी मैंने बेसिक काम कराया, जो नेसेसरी काम है गाड़ी का थोड़ा बाद में करा लेंगे। बाकी भैया को काम अच्छा लगा, एक बार भी आया कर दो। थैंक यू सो मच कार म्यूटर्स काउंटिंग कार्स। Yeah, everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I'll never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. सो जो आउटपुट अभी आप लोगों ने सुना है वो हमारे आए थे भाई मिड रेंज से, जो हमने लगाए हैं इसमें डेफ बोन्स के मशाटे, और चारों डोर्स में वही है। ट्विटर कोई नहीं था तो ट्रैवल आप लोग देख सकते हो कि सिर्फ मिड रेंज में से इतने आते हैं कि ट्विटर की नीड नहीं पड़ती, बट अगर एडिशनल आप लगाना चाहो तो इसमें ऊपर लगाया जा सकता है, पर अभी आपने जो सुनी वो सफिशियंट थी, इसमें ट्विटर की नीड अभी तक नहीं है। इंटरफायर का जो यूज्ड एम्पलीफायर था वही हमने इसके नीचे प्लेस करा है, तो ये लगा हुआ उस साइड पे, और इसी से जो है हमारी बेस ट्यूब भी चल रही है और चारों साइड के मिड रेंज भी चल रहे हैं। बाकी भाई बताएंगे, भाई आज मेरी रिकमेंडेशन से भाई ने मिड रेंज लगा दिया गाड़ी में, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और अगली बार भी कस्टमर को बोलेंगे यही लगाने के लिए। बस इसमें एक मेजर जो इशू है कि कंपोनेंट में बेस आ जाती है थोड़ी सी, इसके लिए बेस ट्यूब या बेस का कुछ आपको बूफर लगाना पड़ेगा, एक एम्प लगाना पड़ेगा, कंपलसरी है ये, कंपलसरी है। अगर ये मजा चाहिए तो, अगर ये चाहिए, अगर ऐसा मजा चाहिए तो, अगर आप एम्पलीफायर हटाओगे तो भी ये मजा नहीं आएगा, या एम्पलीफायर लगाओगे बेस नहीं लगाओगे तो भी ये मजा नहीं आएगा। मतलब वो होता है ना, जैसे अगर दही खा तो चीनी ना डाले तो मजा नहीं आता, वो वाला चीज है इसमें। ठीक है, बाकी भैया थे हमारे साथ, भैया नाम बताओ? शांक। कहाँ से आए थे भैया? महिपालपुर से। कैसा लगा भैया ऑडियो आपको? मजा आ गया भाई, आ गया मजा?
बाकी भैया थोड़े से थे पहले डाइसी, पहले ऑडिशन तक भी गए, फिर जेल ऑडियो भी सोचा था, फिर लास्ट में ना काफी स्पीकर सुन रखे थे पहले, वो सोच के आए थे हमने ऐसा स्पीकर डाले जो बजट में भी आ गया हाँ। और चीज भी अच्छा मिली है बजट में भी, प्लस ये कि ट्विटर्स वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। हाँ सुनी भैया ने, नहीं पड़ेगी ना जरूरत ट्विटर की। बाकी एडिशनल अगर कोई लगाना चाहे तो ऑप्शन है, ट्विटर सोर्स आता है जेल में, स्पीकर के अंदर वो ज्यादा सरदर्द करेगा बच्चा। हाँ वो चीज है। बाकी ये था भाई, बाकी एम्बिएंट लाइट आप लोगों ने देखी रखी है सिस्टम, इसमें डीएसपी वाला लगाया, कोई जीवा प्रो लगाया ना इसमें? तो ये जीवा प्रो आता है इसमें, और इसमें क्या डिफरेंस होता है? जब मार्केट में TF5 चलता है, T3 चलता है, TS7 चलता है, अपने पास T79 आ गया, TS9 सबसे ऊपर सिस्टम है ये। ठीक है, तो ये इसमें इंस्टॉल करा है, बाकी एम्बिएंट लाइट इंस्टॉल करी है, गियर नॉब इंस्टॉल करा है, थोड़ा बहुत जो जेन्युइन पार्ट होते हैं पार्सल ट्रे हो गए, और साइडिंग साइड में रिले, अच्छा साइड बिडिंग, तो जो जेन्युइन पार्ट थोड़े बहुत होते हैं भाई वो इसमें इंस्टॉल करें, और अलॉय व्हील भैया का कंपनी से ही, अलॉय व्हील भैया के कंपनी से ही यहाँ पे भैया इंस्टॉल करवा के लाए थे। तो यही था, एलईडी भी इंस्टॉल करी है इसमें, एलईडी भी 130 वाट की इंस्टॉल 130 करी है। तो ये था भाई ओवरऑल रिव्यू साउंड के लिए, अगर आप इसका कोई अच्छा साउंड इफेक्ट सुनना चाहते हो सेम मैंने अपनी गाड़ी में भी सेटअप लगा रखा है, जब भी आओगे भाई के पास भाई वो भी सुना देंगे आपको। बाकी मिलते हैं, होपफुली वीडियो देख के मजा आया, मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब शेयर, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में।